नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। सोमवार को क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर नगर निगम में धरना देने आए 5 पार्षदों के खिलाफ नगर आयुक्त के आदेश पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया। नगर निगम में सोमवार को 5 पार्षद क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे थे और उन्होंने नगर निगम मुर्दाबाद और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की थी। इसी बीच कई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त के पास आए थे, जिन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर अब नगर आयुक्त ने इसमें सख्त कदम उठाते हुए 5 पार्षदों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं अगर मुकदमे की बात करें तो मुकदमा वार्ड 56 के पार्षद इरशाद, वार्ड 68 के पार्षद शाह खालिद, वहीं वार्ड 67 के पार्षद मोहम्मद शाहिद, वार्ड 63 की पार्षद शाहजहां बेगम और वार्ड 55 के पार्षद मोहम्मद अकरम पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस बारे में नगर आयुक्त घनश्याम मीणा का कहना है कि सोमवार को कुछ पार्षदगण यहां अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे थे। इसी को लेकर आने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा, इसीलिए उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। पार्षदों के द्वारा अपना धरना दिया गया था, पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए, कुछ दिन पूर्व कुछ जो स्थानीय माननीय पार्षद हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो ऑफिस के कार्य में बाधा पहुँचाया गया। कई लोग शिकायतें सुनने जो अपनी जन सुनवाई के लिए आए थे तो उनको भी समस्या हुई और कई तरह की जो नारेबाजी है वो की गई, चूँकि ठीक नहीं थी। उसी क्रम में यहाँ पे जो हमारी ETF के प्रभारी हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है थाने में, ताकि आगे इस तरह की गतिविधि नहीं हो और आम जनता को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।